हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को नाइपर के एग्जाम की डेट की नोटिफिकेशन मिल चुकी है और वो होने वाला है 15th जून यानी सैटरडे को एग्जाम होने जा रहा है। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, अगर नाइपर ओरिएंटेड आपने फॉर्म फिलअप किया है या आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको नाइपर जेई 2024 के एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता होना मस्ट होना चाहिए। बट मैं पहले आपसे कंफर्म करूं, नाइपर कभी भी ऑफिशियली सिलेबस रिलीज नहीं करता। नाइपर ने इस बार केवल ये चीज कंफर्म किया है कि हमारा जो ये एग्जाम होने वाला है 15th जून को होगा, दो शिफ्ट में कैरिड आउट होगा। शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू की बात करोगे, शिफ्ट वन फॉर द एमएस फार्मा, एम फार्मा एंड फार्मा एमबीए के लिए, और वहीं पे अगर आप पीएचडी बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पे जा रहे हो तो उसको भी फर्स्ट शिफ्ट में होगा। वहीं सेकंड शिफ्ट बात करूंगा, वो एग्जाम होगा थोड़ा सा हट के और वहां पे सिलेबस होने वाला है एमटेक कोर्स का होगा, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस की बात आएगी एंड पीएचडी इन मेडिकल साइंसेज। अच्छा, अब स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आने कि सर ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो फार्मा नॉन फार्मा होगा, सेकेंड शिफ्ट में क्या होगा, दोनों में वही सिलेबस रहेगा? अगर मैं आपसे बात करूं, दोनों पेपर की बात कर रहा हूं, मैं खास तौर पर मास्टर कोर्स की बात कर रहा हूं, यहां पे आपको 200 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और जिसका ड्यूरेशन होगा 2 आवर्स का, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन। मींस आपकी एक्यूरेसी बेस्ट होनी चाहिए और आपको अगर एक्यूरेसी अच्छी करनी है, जीडीसी क्लासेस ऐप पे आपको बहुत जल्द मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे रिगार्डिंग द नाइपर, सो इसलिए जीडीसी क्लासेस आपके मोबाइल में होना मस्ट है। और अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूंगा, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि सेक्शन ए में 25% हमारे नॉन फार्मा से आएंगे यानी 50 क्वेश्चन, और सेक्शन बी जो होगा वो फार्मा पोर्शंस का होगा 75% यानी 150 क्वेश्चंस हमारे फार्मा सब्जेक्ट से आएंगे। अब थोड़ा सा आइडिया लगाना जरूरी है, हम अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीवियस ईयर, हम इन सारी चीजों को कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि नॉन फार्मा में क्या क्या। अब वहां पे तो सीधे मेंशन कर दिया गया है कि अंडर द नॉन फार्मा जो हमारा 25% एमसीक्यूज कंक्लूड करेगा, लाइक 50 क्वेश्चंस होंगे, वो किस किस सब्जेक्ट से आएंगे। मैं थोड़ा सा उनमें से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे क्लियर करता हूं। सबसे पहले अगर आप बात करोगे जनरल इंग्लिश, बेटा आज से नहीं, शुरुआत से जब से नाइपर एग्जाम हो रहा है ना, एंटोनिम, सिनोनिम, हमारे डिफरेंट एडवर्ब, क्लास, क्लोज, एरर स्पॉटिंग, ये सारी चीजें शुरुआत से पूछी जा रही हैं। ऑड मैन आउट की बात करोगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, मींस नाउन, टेंस, आर्टिकल, वाइस, एडवर्ब, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, एडम्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ऑड मैन आउट, वर्ब, इनसे क्वेश्चन हमेशा 2-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं जनरल इंग्लिश से मैं बात करूंगा तो। वहीं अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूंगा, अब देखिए जनरल नॉलेज तो इतना वास्ट है कि इसमें कोई लिमिट हो ही नहीं सकती है, क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकते हैं, लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज से हो सकता है, करंट अफेयर से हो सकता है, हमारा फाइनेंस से हो सकता है, गवर्नमेंट स्कीम से हो सकता है। अब हेल्थ प्रोग्राम, देखिए ये फार्मा का एग्जाम है तो यहां पे मुझे बहुत ज्यादा हिस्ट्री पे नहीं जाना है, मुझे अगर फार्मा ओरिएंटेड है उस पे जरूर ध्यान देना है, लाइक कौन सी हमारी ड्रग अभी रिसेंटली अप्रूव्ड हुई, किस कंपनी ने कौन सा मेजर टाई अप किया है, किस कंपनी का मर्जर या डीमर्जर हुआ है, समथिंग लाइक दैट, कौन सी ड्रग हमारी अभी रिसेंटली अप्रूव्ड या बैन हुई है, उनके लिए भी होता है समटाइम्स, या कभी कभी स्पोर्ट्स इवेंट से भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, सम बुक्स एंड ऑथर, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं रिसेंटली बात करूं, लास्ट 2022 में आपसे पूछा गया था इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज रिटन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसमें से आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सी बुक, तो ऐसे टाइप से भी क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं। और फर्स्ट इन इंडिया जनरल स्टडीज साइंस की बात करूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जनरल साइंस से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सुपरलेटिव की बात आती है, नेशनल रिसर्च सेंटर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट लैबोरेटरीज और उनके लोकेशंस की बात किया जाएगा, तो जितने हमारे फेमस निक नेम्स होते हैं वेदर प्लेस के और पर्सन के, जैसे अगर हम बात करें सिंपली लाइक आयरन मैन किसको कहा जाता था, समथिंग लाइक दैट हम बात करेंगे, स्टेट्स एंड देयर कल्चर, नेशनल अवार्ड, नोबेल प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो हल्के में मत लीजिएगा, नोबेल प्राइज वैसे मैं ट्रिक के साथ आपको करवाऊंगा भी, तो इसलिए इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। साइंटिस्ट, इन्वेंशन, इंडियन स्टेट्स इंस्टीट्यूट, ये सारी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन मेजर जो चीजें हैं उनको जरूर ध्यान देंगे।
अगर आप जनरल रीजनिंग की बात करोगे तो वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों टाइप की आती है। और जो आपके पास 1 वीक का टाइम होने वाला है ना जीपैट और नाइपर के बीच में, यहाँ पे आपको रीजनिंग में महारत हासिल कराने की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि उस टाइम पे हम इतने फनी तरीके से जितने भी हमारे रीजनिंग से उनको हम कंक्लूड करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से हमें देखने को मिल जाएंगे, वेदर एनालॉगी होगा और क्लासिफिकेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, लॉजिकल सिक्वेंसिंग है, अगर हम बात करेंगे हमारा वेन डायग्राम है, सिंबोलिक है, कोडिंग डिकोडिंग से बात करेंगे, या हम फिगरल एनालॉगी बात करेंगे, या हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से होता है, एम्बेडेड फिगर होता है, पैटर्न होता है, फिगरल पैटर्न होता है, इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं, बेसिक रीजनिंग जो हमारे नाइपर के लेवल पे आती है, उसको हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। मेंटल एबिलिटी क्या ही कहना, मतलब ये तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, जितना ज्यादा आप एक्टिव होंगे, जितना ज्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, लाइक अभी बायोस्टेट आप पढ़ रहे हो ना, ध्यान से सुनना, ये जो आप अपने 8th सेमेस्टर में बायोस्टेटिक्स पढ़ रहे हो ना, वहां पे परसेंटेज है, या हम बात करेंगे हमारा रेशियो है, या हम बात करेंगे मीन मोड, ये हमारे सारी चीजें है उनसे रिलेटेड, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन की मैं बात करूंगा, ये चीजें होंगी, और बेसिक जितने भी मैथमेटिक्स की हमारी सारी चीजें होंगी वो आपको जेडीसी क्लासेस ऐप में करवाई जाएंगी। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, चाहे प्रॉफिट डिस्काउंट इन सारी चीजों, ज्योमेट्री, डिफरेंट हमारे पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, एलिगेशन की मेथड की बात करेंगे, एलिमेंट्री अलजेब्रा की बात करेंगे, ये सारी चीजों से रिलेटेड बेसिक चीजें कराएंगे, एज वेल एज कुछ चीजें हमारी होती है जो मिसलेनियस, मतलब जिसका कोई लिमिट ही नहीं हो, जैसे मैंने आपसे बोला USFDA approved drug की बात है, या founder of the big companies उनके नाम्स की बात करूंगा, Nobel Prize winner, top 10 best pharmaceutical companies, national level award, चाहे आप पद्म विभूषण की बात करोगे, पद्मश्री की बात करोगे, या हमारा यहाँ पे बात करेंगे हमारा भारत रत्न की बात करेंगे, इनसे रिलेटेड आप देखे जाएंगे, नेशनल अवार्ड हमारे इन द स्पोर्ट्स की बात करेंगे, गैलेंट्री अवार्ड यानी हम परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये हमारे शौर्य चक्र, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे जरूर, इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं, ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन तो आपको गारंटी के साथ मिलेगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज की बात करेंगे, लाइक USFDA कहाँ पे है, FDA कहाँ है, SFDA कहाँ है, CDSCO कहाँ की है, MHRA कहाँ की आती है, TGA कहाँ की है, समथिंग लाइक दैट आपसे क्वेश्चन जरूर एक बात बनते हैं, कॉमन ब्रांड प्रोडक्ट की बात करोगे, इंपॉर्टेंट एब्रिवेशन है, इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो मैंने आपको पहले भी कंफर्म किया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगे नाइपर एट योर फिंगर टिप में, तो इसलिए इसको एक बार जरूर कंसिडर करिएगा अपनी प्रिपरेशन के लिए, कोरोना वायरस से रिलेटेड, क्योंकि कोविड से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, रेसन की बात है, अगर हम बात करेंगे वैक्सीन, डिफरेंट हमारी जो वैक्सीन हैं, अलग अलग डिजीज के लिए कौन सी वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई, उनका बेसिक फॉर्मूलाज क्या है, समथिंग लाइक दैट, साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट, इनोवेशन एंड डिस्कवरी, फादर इन द डिफरेंट फील्ड, लाइक हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है, हमारे डिफरेंट टाइप से हमारे इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया की बात किया जाता है, ये सारी चीजें हमारी है, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया की बात किया जाएगा, इंपॉर्टेंट हेल्थ डेज, ये तो फिक्स है, जैसे एनवायरमेंट डे आपको पता है 6 जून को हमारा देखा जाता है, तो ऐसे टाइप से हमारे ये सारी चीजें जरूर एक बार कंसीडर की जाएंगी, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, देयर हेडक्वार्टर, इंडियन प्लेसेस, नेशनल स्कीम्स, मेजर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, रीजनिंग, ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड होगी, और इसी के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक विद द थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव दोनों बुक्स अवेलेबल है, नाइपर एट योर फिंगर टिप थ्योरी एंड नाइपर एट योर फिंगर टिप ऑब्जेक्टिव, ये दोनों बुक अवेलेबल होंगी। मैं अब आपसे ये नहीं कह सकता हूं कि बेटा इतने लिमिटेड टाइम में आप लुसेंट बुक पढ़ लीजिए, या आप रीजनिंग के लिए जाके अदर बुक आप रीड करिए, या एप्टीट्यूड के लिए इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो अगर आपने इतना भी कर लिया तो मैक्सिमम आपके नॉन फार्मा यहां से कंक्लूड हो सकते हैं। साथ ही साथ जितना अच्छे से आप जीपैट में अपने फार्मा सिलेबस को करके चल रहे हो, वही आपको नाइपर में हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि फार्मा सिलेबस तो लगभग सेम है, बस इंपॉर्टेंस बदल जाता है। जैसे आप अगर नाइपर ओरिएंटेड बात करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी से देखने को मिल जाता है, लेटर ऑन सोटिक्स भी हमारा इंपॉर्टेंट रखता है, कोग्नोसी में डायरेक्ट कोग्नोसी के क्वेश्चन कम, लेकिन हाँ बायोसिंथेटिक पाथवे से क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूंगा तो जरा यहां पे एक बार देखिएगा, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है IUPAC है, इनसे रिलेटेड नेम रिएक्शन की बात करोगे,
टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की बात होती है, हमारे थर्मल मेथड होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट ओसाजोन टेस्ट, जितने भी हमारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रिएक्शन काइनेटिक है, क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी और से ज्यादा स्पेक्ट्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए जीपैट में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूवी आईआर एनएमआर इनसे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस यहां पे देखने को जरूर मिलेंगे। और स्टीरियो केमिस्ट्री तो क्या ही कहना, मतलब छोड़ा ही नहीं जा सकता है। फार्माकोग्नोसी में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे नेचुरल प्रोडक्ट ओरिएंटेड कहानी होती है लाइक प्राइमरी हमारे कौन से है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से होते हैं, या हम बात करेंगे सिक्मिक एसिड पाथवे, मेवलोनिक एसिड पाथवे, किससे कौन सा हमारा एल्कलॉइड बनता है या ग्लाइकोसाइड बनता है, समथिंग लाइक दैट, उनसे क्वेश्चन, या एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड की बात किया जाएगा। इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक क्लासेस, ऐसा नहीं कहूंगा कि एल्कलॉइड ग्लाइकोसाइड ऐसे इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपके मेजर कंसिडरेशन कहां से होंगे, बायोसिंथेटिक पाथवे से होंगे। तो इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर एक बार देखिएगा। फिशर हमारा न्यू प्रोजेक्ट फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट की बात किया जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल प्रोडक्ट एंड फार्माकोग्नोसी, कैंसर एंटीवायरल ड्रग इसको जरूर एक बार देख के चलेगा। क्यों? क्योंकि नाइपर में कैंसर से क्वेश्चन चार पांच आपको फार्माकोलॉजी ओरिएंटेड देखने को मिल जाएंगे, इसको जीपैट के लिए भी बहुत अच्छे से चल के लेके चलेगा कैंसर और इम्यूनोसप्रेशन, क्योंकि ये आज की डेट पे हॉट टॉप टॉपिक्स है मेनली अगर आप बात करते हो रिसर्च ओरिएंटेड, तो इसलिए इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30-40 क्वेश्चंस आपको फार्माकोलॉजी कवर करके देगा, अराउंड 25-30 क्वेश्चंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करके देगा, तो इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना शायद बाद में आपको लगे यार काश इसको थोड़ा और अच्छे से कर लिए होते जीपैट के टाइम पे, तो नाइपर में ज्यादा टेंशन नहीं देता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ये वाली चीजों को जरूर एक बार अच्छे से देखेंगे। और हाँ, सिस्टम वाइज क्लासिफिकेशन ड्रग, और एक चीज और बताऊं, नाइपर में जो 200 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स होते हैं ना, क्वेश्चन बड़े प्यारे, बहुत सिंपल और डायरेक्ट लाइन टू लाइन या पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये टाइम वेस्ट भी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो या तो आपको आंसर आएगा या तो नहीं आएगा, बस उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट की बात होगी, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस कराने के लिए जीडीसी क्लासेस तैयार है, बस आपको अपने लिए रेडी होना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कीमोथेरेपी की बात करेंगे, बेसिक मैकेनिज्म, हमारे क्लासिफिकेशन, रिसेप्टर, इनको जरूर। फार्मास्यूटिक्स एंड अगर फॉर्मुलेशंस की बात किया जाएगा, यहाँ पे मेनली फोकस आपको CDDS, NDDS, इनको जरूर एक बार अच्छे से देखना है, क्योंकि जो आज नाइपर के जब पेपर बनते हैं ना, वहां के जो ऑब्जर्वर या पेपर सेटर होते हैं ना, उनका पहला टारगेट होता है जिस फील्ड से वो रिलेट करते हैं उसी फील्ड से उनके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, तो खासतौर पर रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप बात करोगे तो ये CDDS, NDDS इनसे जरूर देखने को मिलेगा। बायोफार्मास्यूटिक्स के कंपार्टमेंट मॉडलिंग की आपको देखने को जरूर मिलेगा। ड्रग टारगेटिंग की बात होगी, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज की बात होगी, सब आप फार्मा अभी जीपैट के लिए पढ़ रहे हो, और इसी को अगर जितना अच्छे से पढ़ लोगे वो नाइपर में आपको वही हेल्प करने वाला है। एडिटिव, डोजेस फॉर्म, पैकेजिंग, ये सारी चीजें, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स, उनके प्रॉज, उनके कॉन्स, डिफरेंट इवेल्युएशन टेस्ट की बात करोगे, वेदर आप कॉस्मेटिक्स की बात करोगे, वेदर आप हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट की बात करोगे या टैबलेट कैप्सूल की बात करोगे, इवोल्यूशन पैरामीटर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करूंगा, हाँ, यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चंस कंक्लूड करेगा, और अगर इस सब्जेक्ट को आप लेके चलते हो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, खासतौर पर थर्मल मेथड है, पार्टिकल साइजिंग है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इनको जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्योंकि आज की डेट पे हमारा जो जितने भी नए प्रोडक्ट्स के रिसर्च हो रहे हैं ना, उनपे आपको ये बहुत अच्छे से अप्लीकेबल होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से दीजिएगा। अब देखिए, अगर आप जीपैट के लिए नहीं तो नाइपर के लिए बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वेदर आप बात करोगे डिफरेंट हमारे प्रोटीन्स हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ट्रांसलेशन क्या है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन की बात करोगे, हमारे इम्यूनोलॉजी की बात करोगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट अमीनो एसिड्स के स्टैंडर्डाइजेशन की बात करोगे, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सो ये हमारा बेसिक सिलेबस है फॉर द नाइपर ओरिएंटेड की बात करूंगे। और अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर हैं, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट और सजेस्ट करूंगा, जस्ट फोकस ऑन योर जीपैट एग्जामिनेशन, क्योंकि जितना अच्छा जीपैट उतना अच्छा नाइपर होगा विदाउट एनी डाउट। सो प्लीज बी फोकस्ड, बी ऑथेंटिक, एंड टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो आज के सेशन में यहीं तक, आई होप इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और एक जानकारी मिली होगी, लेकिन इस जानकारी को हम जीपैट के बाद अप्लाई करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।